दोस्तों, जैसा कि कुछ कमेंट आए थे कि कुछ साथियों के मन में जो विद्युत संकेत हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, उस पर लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। वो हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिंबल कौन किस चीज़ का है। इंटरव्यू वगैरह में भी ये सारे सिंबल पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो यह चीज़ आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि ये सिंबल कैसे बनाए जाते हैं। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यह पहला भाग है, इसके बाद मैं दूसरा भाग भी लेकर के आऊँगा। देखिए, सबसे पहले डीसी सप्लाई का जो सिंबल है उसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, एक तो ये सिंबल होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, कुछ जगह पर आपको इस तरह के सिंबल मिलेंगे, डॉटेड, एक सीधी लाइन ऊपर डॉटेड रहेगा, और एक कुछ जगह पर आपको इस तरह से भी सिंबल मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए इस तरह से ये सिंबल बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसका जो सिंबल बनता है वह इस तरह से बनता है, या इसको, ये जैसे आपका डीसी का सिंबल ये था, तो एसी का सिंबल आप इस तरह से, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका एसी का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो आता है हमारा एक फेज, मतलब सिंगल फेज, एक फेज का जो सिंबल आता है वह एक लिख दीजिए और फाइव लगा दीजिए आप, तो यह सिंगल फेज का सिंबल हो गया, या इसी को आप वन और इस तरह से आप बना दीजिए, ये एसी का सिंबल हो गया और एक एक हो गया, मतलब एक एसी में सिंगल फेस हो गया। इसके बाद अगला है थ्री फेस, जैसे ये एक है ऐसे ही यहां पर हम तीन लिख देंगे और फेस फाइव लगा देंगे, तो ये तीन फेस हो जाएगा, या इसी को हम बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा थ्री फेस एसी का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो है वह फेस सीक्वेंस का सिंबल है। तो फेस सीक्वेंस कौन से होते हैं, आर वाई बी, ये फेस सीक्वेंस होता है। उसके बाद अगला जो आता है हमारा न्यूट्रल का जो सिंबल होता है वह सिंपल एन आप बना दीजिए, यह न्यूट्रल का सिंबल हो गया। अगला है तारे आर पार, अगर तारों को एक दूसरे तार के ऊपर से लेकर के जाना है, एक तार के ऊपर से दूसरे तार को लेकर जाना है, तो उसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इसको आप ऐसे एक तार इसको आप बना दीजिए और इस तरह करके ये गोल सा करके आप इस तरह निकाल दीजिए, तो यह तारे आर पार का सिंबल होगा, मतलब ये तार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक तार के ऊपर से ये तार निकल गई है, ये कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं है, अलग अलग दोनों तारे हैं। ठीक है, ये तारे आर पार का ये सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो आता है तारों का जोड़, तो तारों का जोड़ आप इस तरह से आप बना सकते हैं सिंबल को, यहां पर आप इस तरह से गोल सा बना दीजिए, ठीक है, यहां पर एक बड़ा सा ये बना दीजिए, तो ये तारे जोड़ का सिंबल हो जाएगा, या इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, देखिए लीजिए, तारे आर पार और तारे जोड़ का सिंबल देख लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके ऊपर से आप इस तरह से देखिए, इस तरह से करके एक इस तरह से एक लाइन खींचिए और इस तरह से करके इस तरह से एक गोल सा बना करके आप कर दीजिए, तो यह तारे आर पार का जो सिंबल हो जाएगा, और यह जो हमारा तारे ज्वाइंट का है, मतलब प्लस बना दीजिए और बीच में एक बिंदी रख दीजिए बड़ी सी, तो वो ज्वाइंट हो गया है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो अर्थ का सिंबल आता है, तो अर्थ का जो सिंबल है वह पृथ्वी का है, ये हमारा दोस्तों अर्थ का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो आता है हमारा वह फ्यूज का सिंबल है, तो फ्यूज अक्सर इंटरव्यू में भी इस चीज को पूछ लिया जाता है, फ्यूज का सिंबल बताइए, तो फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से और इस तरह से, मतलब दो गोला बनाइए, उनको क्रॉस इस तरह मिला दीजिए, और एक तार इधर और एक तार इधर, ये फ्यूज का सिंबल हो गया। इसको आप एक तरह से और भी बना सकते हैं, तो इसको इस तरह करके इस तरह कर दीजिए, ये हमारा
फ्यूज का सिंबल हो गया, मतलब ऊपर से ला करके नीचे वाले मिला दीजिए, ये भी आपका फ्यूज का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा आता है कार्ट्रिज फ्यूज, तो इसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से एक लाइए तार, इस तरह से ये निकाल दीजिए आप, यह कार्ट्रिज फ्यूज का सिंबल हो गया। अगला जो हमारा है वह न्यूट्रल लिंक का सिंबल है। तो देखिए न्यूट्रल लिंक भी अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है या एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रल लिंक का सिंबल बनाइए। तो न्यूट्रल लिंक का जो सिंबल होगा फ्यूज से बहुत ज्यादा, दोनों में अंतर नहीं समझ में आता है, बहुत ज्यादा इस तरह से आप न्यूट्रल लिंक का सिंबल बना दीजिए आप। ठीक, देख लीजिए फ्यूज का सिंबल इस तरह से क्रॉस होगा और जो जो हमारा न्यूट्रल लिंक होगा वो दोनों ऊपर के ऊपर नीचे नीचे दोनों लाइनों को आप जोड़ देंगे, दोनों गोलों को मिला देंगे, तो ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है एक तरफा स्विच का सिंबल आता है। तो एक तरफा स्विच मतलब एक वन साइडेड या ऑपरेटेड है, ये टू साइडेड ऑपरेटेड नहीं है, वन साइडेड ऑपरेटेड है। तो इसका जो सिंबल होगा वह दो प्रकार से हम बना सकते हैं, इस तरह से ये हमारा एक तरफा स्विच हो गया, मतलब ये सप्लाई इधर से आएगी और इस तरफ निकल जाएगी, मतलब सिंगल स्विच। ठीक है, जो हमारा पंखे वगैरह हम जो ऑपरेट करते हैं, पंखे वगैरह चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो उसका जो स्विच होता है वो यही होता है, एक तरफा स्विच होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं या इसी को आप एक तरीके से और भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये भी हमारा एक तरफा स्विच का ये सिंबल होता है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है दो तरफा स्विच, मतलब टू वे स्विच। ये सिंगल वे स्विच है, ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच सेम इसी तरह होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, जो हमारा टू वे स्विच होता है इसको आप इसी स्विच को इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमारा टू वे स्विच का सिंबल हो गया, मतलब ये जो हमारा ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा इसके साथ ये दोनों पॉइंट होंगे, एक बार एक के साथ ये हमेशा एनसी रहेगा, एक के साथ एनओ रहेगा, मतलब एक तरफ टच रहेगा, अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो इधर आ जाएगा, ऑफ करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, दोनों के साथ ही ऑपरेट करेगा, मतलब ये कॉमन रहेगा, इसी के साथ ये दोनों में सप्लाई देगा आपको, जब जिस साइड सप्लाई की जरूरत होगी उस साइड आप स्विच को ऑन कर देंगे या ऑफ कर देंगे। तो ये टू वे स्विच का सिंबल हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा है वह आता है पुश बटन का सिंबल। पुश बटन का जो सिंबल है वह अभी इंटरव्यू वगैरह में या ड्राइंग में भी आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है, पुश बटन के सिंबल की, तो आपको कहीं ड्राइंग पढ़नी है तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो जो हमारा पुश बटन का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा पुश बटन का सिंबल हो गया, मतलब ये टच दबाने के लिए दिखाता है कि दबा दीजिए। अगला है चोक, जो कि हमारी ट्यूबलाइटों में लगता है, उसका चोक का सिंबल क्या होता है। देखिए सिंपल चोक का जो सिंबल हमारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये है, ये मतलब ये क्वाइल हो गई और इसके ऊपर दो ठो कोरें, जो कि सिलिकॉन स्टील की कोरें होती हैं, वह दोनों कोरें ऊपर बना दी जाती हैं। ठीक, तो यह चोक का सिंबल हो जाता है हमारा, मतलब यहां से इनपुट होगा और यहां से आउटपुट हो जाएगा और ऊपर यह हमारी कोर हो गई। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वह स्थाई कंडेंसर का सिंबल है। स्थाई कंडेंसर मतलब परमानेंटली जो कैपेसिटर है उसका जो सिंबल है हमारा। तो जो स्थाई कंडेंसर है उसका जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरह से होता है, ये देख लीजिए, इस तरह से ये आप इस तरह से एक डॉटेड लाइन कर दीजिए, तो ये स्थाई कंडेंसर का सिंबल हो जाता है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा वह अस्थाई कंडेंसर का सिंबल है, मतलब जो परमानेंट नहीं है, ये फिक्स है, इसका जितना माइक्रोफेरेड लिखा होगा उतना माइक्रोफेरेड होगा, इसका जो होगा अस्थाई का होगा इसको वेरी करा सकते हैं आप, माइक्रोफेरेड इसका वेरी करा सकते हैं आप। तो अस्थाई कंडेंसर का जो सिंबल होगा वह ये देख लीजिए, इस तरह से और इस तरह से ये आपने बना दिया, पहले तो आप एक कंडेंसर बना दीजिए, ठीक है, इसके बाद ये डॉटेड लाइन जो थी जो स्थाई वाले में थी, इसके बाद आप इस तरह से लाइन खींच दीजिए, आप तीर लगा दीजिए, तो ये हमारा अस्थाई कंडेंसर का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आता है हमारा वह आता है सेल का सिंबल। तो सेल का सिंबल सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल, आप लोग जानते ही होंगे, देख लीजिए ये हमारा सेल का सिंबल हो गया। अब इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा होता है
यह पॉजिटिव का होता है और जो छोटा वाला हिस्सा होता है यह नेगेटिव का होता है। यह चीज़ समझ लीजिए, यह कन्फ्यूजन अपने दिमाग में कभी मत रखिएगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।